नवादा का हृदय स्थल प्रजातंत्र द्वार। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक हाजिर हूं आज नवादा के प्रजातंत्र द्वार की गौरव गाथा लेकर। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के प्रथम गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे नवादा के प्रजातंत्र द्वार का उद्घाटन हुआ था। दोस्तों, 15 अगस्त 2021 को हमारा देश भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर चुका है और आज 26 जनवरी 2022 को हमारा देश भारत 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दोस्तों, हम सभी को हमारे नवादा जिला के प्रजातंत्र द्वार का इतिहास जानना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को हमारे नवादा जिला के प्रजातंत्र द्वार का उद्घाटन बिहार के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी ने किया था। शिक्षाविद कन्हाई लाल साहू जी ने उस वक्त के अनुमंडल एसडीओ की पहल पर इस प्रजातंत्र द्वार का निर्माण करवाया था। इस द्वार को बनाने के लिए कलकत्ता से स्किल्ड कारीगरों को बुलाया गया था। इसके बनने में लगभग 1 वर्ष का समय लग गया। संपूर्ण क्रांति का घोतक रहा है नवादा जिला का यह प्रजातंत्र द्वार। सन 1974 में संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूकने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कर्मस्थली भी है नवादा का यह प्रजातंत्र द्वार। दमनकारी कांग्रेस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कर्मस्थली नवादा का प्रतीक भी है यह नवादा का प्रजातंत्र द्वार। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की सेखों देवरा आश्रम आने के दौरान नवादा का यह प्रजातंत्र द्वार भी देखने के लिए आए थे। सन 1947 में जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, उस वक्त नवादा गया जिला का एक अनुमंडल हुआ करता था। 26 जनवरी 1973 को नवादा एक जिला बनकर अस्तित्व में आया। कन्हाई लाल साहू, जो कि उस वक्त के एक जाने माने साहूकार, शिक्षाविद और समाज सेवी थे, नवादा अनुमंडल पदाधिकारी की पहल पर एक भव्य द्वार बनाने की योजना बनाई, जिसे बनने में 1 वर्ष का समय लग गया। आज 26 जनवरी 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर नवादा के प्रजातंत्र द्वार को एक दुल्हन की तरह सजाया सवारा गया है, जो कि देखते ही बनती है। हम पूरे नवादा वासी अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
हमारा तिरंगा झंडा का तीनों रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग से रंग रोगन कर और लाइटों से इसे आकर्षक रूप दिया गया है। द्वार के माथे पर सुनहरे रंग में डूबे चार सिंह हमें राष्ट्रीय गौरव से ओतप्रोत करा रहे हैं। हमारा और हम सब का नवादा जिला इसी तरह से विकास करे और हम अपने नवादा की माटी को अपने ललाट पर लगाकर अपने सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, नवादा जिला का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल हैप्पी इवेंट अभी को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें ताकि मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मैं अभिषेक मिलता हूँ फिर से एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।